नमस्कार। राष्ट्रपति चुनाव, शरद पवार की ना के बाद अब विपक्ष पहुंचा महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी के पास। राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारी के प्रस्ताव को रांकपा सुप्रीमो शरद पवार द्वारा ठुकराने के बाद अब विपक्ष ने नया दरवाजा खटखटाया है। बताया जा रहा है कि विपक्ष दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी के लिए महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी से संपर्क साधा है। इससे पहले गोपाल कृष्ण गांधी 2017 में उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार थे। दरअसल विपक्ष द्वारा राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए संयुक्त उम्मीदवार पेश करने की कोशिश के बीच कुछ नेताओं ने संभावित विकल्प के तौर पर पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी से संपर्क किया है। गांधी 2017 में उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार थे, हालांकि वह चुनाव में एम वेंकैया नायडू से हार गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक बताया कि विपक्षी दलों के नेताओं ने गांधी से फोन पर बात की और उनसे राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने में अनुरोध पर विचार करने का आग्रह किया। गांधी से संपर्क करने वाले नेताओं ने बताया कि इस अनुरोध पर उनकी शुरुआती प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है। वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।